लापरवाही का कहर। बनखंडी में तेज रफ्तार पिकअप ट्राला पेड़ से टकराया, बाजू से अलग हुआ व्यक्ति का हाथ। पिकअप ट्राला चालक की लापरवाही एक व्यक्ति पर भारी पड़ी जो कि इसी ट्राले में सवार था। इस हादसे में उस शख्स का हाथ ही बाजू से अलग हो गया। मामला बनखंडी का है जहां वीरवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें पिकअप ट्राला सवार एक व्यक्ति का हाथ बाजू से कटकर सड़क पर गिर गया। घायल व्यक्ति को उसके कटे हाथ सहित मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हेतु सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया। मौसम की बेरुखी, हिमाचल में 14 साल बाद मार्च में सबसे कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में 14 साल बाद मार्च में सबसे कम बादल बरसे हैं। मार्च में केलांग, कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, मनाली और शिमला में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। शुक्रवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 4 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मार्च के दौरान प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से 95% कम बारिश हुई है। इससे पूर्व वर्ष 2008 में सामान्य से 96% कम बारिश मार्च में दर्ज हुई थी। चैत्र नवरात्र, हिमाचल में 2 साल बाद बिना बंदिशों के होंगे दर्शन। शक्ति पीठों में QR कोड से कर सकेंगे दान। शनिवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र इस बार खास है। कोरोना काल में 2 साल बाद बिना किसी बंदिश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। मंदिरों में अब घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी, लंगर भी लगाए जाएंगे। कांगड़ा की शक्ति पीठों में इस बार QR कोड स्कैन कर श्रद्धालु दान दे सकेंगे। CCTV और ड्रोन से पूरी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल टीमें भी तैनात रहेंगी। चैत्र नवरात्रों में धारा 144 लागू रहेगी। मंदिर के अंदर ढोल, नगाड़े और नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। अभिभावकों पर दोहरी मार, हिमाचल में 20% तक फीस, 25 तक बढ़े कॉपी किताबों के दाम। कोरोना काल के 2 साल बाद नए सत्र में स्कूल फीस और स्टेशनरी महंगी होने से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों ने 10-20% तक दाखिला फीस बढ़ा दी है। किताबों कॉपियों के दाम भी 15-25% तक बढ़ गए हैं। स्कूल और वर्दी और जूते भी महंगे हो गए हैं। जूतों पर टैक्स 5-12% हो गया है। महंगाई से परेशान करीब 20% अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी में दाखिला दिला दिया है। सामान्य वर्दी का जूता जो 650 में आता था अब 800 का है। 1200 वाली वर्दी 1400 रुपए तक पहुंच गई है। स्टील बॉटल, स्कूल बैग, जुराबों में भी 10-20% तक बढ़ोतरी हुई है।